Hello students, today I will discuss the science of 8th class. So in 8th class, exercise is going on from lesson 2. MCQs will be here before you. 6-1, jitna aap kar chuke, to uske aage se dekhiye. 6-1 MCQs hai, manures are, manure kya hote hai? Maine aapko padhaya manure kya hote hai? Organic in nature, nature mein organic hote hai, ya inorganic in nature, ya phir organic as well as inorganic. In nature and none of these. So which one is the right answer? First one is the right answer. Okay. Manures क्या होते हैं? Manures are organic in nature. Manures होते हैं जो घरों में खाद तैयार करी जाती है. जो animals का waste material होता है, plants की जो पत्तियां वगैरह होती हैं सड़ जाती हैं, वो manure कहलाती हैं. ठीक है. तो ये क्या होता? Organic in nature. Second one देखिए. Cereals generally provide. Cereals मतलब अनाज, grains. हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोटीन्स, सुगर, फैट्स, विटामिन्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं? तो सीरियल्स जनरली वैसे तो फैट और प्रोटीन सॉरी प्रोटीन्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. सीरियल्स जनरली प्रोवाइड द प्रोटीन्स. फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. जो ग्रेन्स होते हैं उनसे हमको मोस्टली क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है. नेक्स्ट है, विच मेथड अकॉर्डिंग टू यू कैन ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. कौन सा मेथड जो है ना मैक्सिमम इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है. ये नीचे कुछ मेथड दिए गए, इनमें कौन सा मेथड जो है ना सबसे अच्छा है इन अवर कंट्री इन फ्यूचर. फ्यूचर में लिखा है इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन. ये तो है नहीं है. फर्स्ट वन इज नॉट राइट आंसर. यूजिंग मोर मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स. अब मोर मैन्योर अगर फर्टिलाइजर्स हम यूज करेंगे, चलो अच्छी बात है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन होता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजर्स ज्यादा डालने पर, ज्यादा खादें डालने पर वो केमिकल्स ज्यादा हो जाते हैं और फसल बेकार हो जाती है ना. ज्यादा फर्टिलाइजर्स का अगर यूज करेंगे तो वो बेकार हो जाता है. लेस वेस्टेज इन स्टोरेज, जब स्टोरेज करें तो उनका वेस्टेज कम करें. और लास्ट वन है यूजिंग बेटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. आई थिंक फोर्थ वन इज द राइट आंसर. यूजिंग बेटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स, क्रॉप प्लांट्स. जो प्लांट हम यूज कर रहे हैं, मतलब जिस प्लांट्स को, जिस फसल को हम पैदा करना चाहते हैं उसकी बेटर वेराइटी हमको यूज करनी चाहिए, अच्छी से अच्छी वेराइटी, है ना. तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर. अगर हम अच्छी वेराइटी यूज करेंगे तो फसल ज्यादा अच्छी होगी. ओके. सो दीज आर द एमसीक्यूज. एट्थ, यू हैव कंप्लीट एट्थ. एंड आगे देखिए 9th. नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज क्या है. The plants whose roots contain nitrogen fixing bacteria. ठीक है. अब प्लांट्स के नाम देखिए क्या है. इज फर्स्ट है ऑरेंज, बी में है पीस, सी का मैंगो और डी में टोमेटो. और देखा द प्लांट्स हुज रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जो रूट जो है नाइट्रोजन फिक्स करने वाली बैक्टीरिया कंटेन किए रहती है. तो ऑरेंज, पीज, मैंगो और टोमेटो, विच वन इज द राइट.
बी वन इज द राइट, क्योंकि जो लेग्यूम होती है, लेग्यूम मतलब दाल, जो लेग्यूम होती है, लेग्यूम से मतलब होता है दालें, उन दालों की जो जड़ें होती हैं, उनके जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली बैक्टीरिया को कंटेन किए रहती है। जो दाल होती है ना, दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाली बैक्टीरिया को कंटेन किए रहती हैं, और पीज ये दाल में आता है। ओके, लेग्यूम है पीज। सो बी वन इज द राइट आंसर। टेंथ देखिए, इन इंप्रूव टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप, variety of crops, the technique employed is first a transplantation, बी में है ब्रॉडकास्टिंग, सी में है हाइब्रिडाइजेशन, एंड डी वन है कल्टीवेशन। सो विच इज द राइट आंसर, कह रहा है टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करनी चाहिए। सो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट राइट आंसर, ब्रॉडकास्टिंग इज आल्सो नॉट अ राइट आंसर, हाइब्रिडाइजेशन इज अ राइट आंसर। सो हाइब्रिडाइजेशन ये टेक्निक को यूज करना चाहिए, है ना। सी वन इज द राइट आंसर। ओके, कल्टिवेशन भी राइट नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन अगर टेक्निक, नई नई वैरायटीज को हमको यूज करना है, नई टाइप वैरायटी को, है ना, हाइब्रिड करके अच्छी से जो ना क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द एमसीक्यूज, यू हैव कंप्लीटेड योर एमसीक्यूज, ऑल द एमसीक्यूज। ओके, एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।